بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. سورة البقرة کی ये आयत नंबर 175 है जो पिछली आयत से मुतालिक है। पिछली आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों से मुतालिक ये बात इरशाद फरमाई कि बेशक जो लोग उन बातों को छुपाते हैं जो अल्लाह ने किताब में यानी तौरात में नाजिल की हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को और तौरात में मौजूद सहाबा की अलामतों को वो लोग सस्ते दाम बेच देते हैं, उलाई के मा यकुनून फी बुतूनिहिम इल्ला नार, ऐसा करके वो अपने पेट में सिर्फ जहन्नम की आग को जमा कर रहे हैं। और उनके अजाब के लिए दूसरा मरहला ये है कि क़ियामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, उनसे बात नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, और अल्लाह उनको पाक नहीं करेगा, उनके गुनाहों को माफ़ नहीं फरमाएगा, क्योंकि वो पाकी वाला अमल दुनिया में नहीं कर रहे हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और आखिरत में उनके लिए दुख देने वाला, दर्द देने वाला अजाब तय है। उलाइका लज़ीना इश्तरौ अद्दलालता बिलहुदा, ऐसा करके ये लोग यानी हक़ की बातों को छुपा कर, नबी सल्लम की निशानियों को, सहाबा कराम की अलामतों को छुपा करके जो उनकी किताब में लिखी हुई हैं, ऐसा अमल करके वो लोग गुमराही को खरीद रहे हैं हिदायत के बदले। उलाइकल्लज़ीन अश्तरौ अद्दलालता बिलहुदा, गुमराही को मोल ले रहे हैं हिदायत के बदले। वलअज़ाबा बिलमग़फिरा, और अल्लाह के अजाब को मांग रहे हैं मग़फ़िरत के बदले। अल्लाह की मग़फ़िरत भी है और अल्लाह का अजाब भी है, लेकिन ये लोग हक़ की बातों को छुपा करके, हक़ की बातों से लोगों को गाफिल रख करके अल्लाह की मग़फ़िरत के मुकाबले में अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। फ़मा अस्बरहुम अला नार, किस चीज़ ने उन्हें इतना जुरतमंद कर दिया है जहन्नम की आग के सामने। जहन्नम की आग के बारे में उनको मालूम है, इल्म है, हमने जहन्नम की आग के बारे में बातें नाजिल की हैं, फिर भी वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक ताज्जुब के अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछ रहा है, फमा अस्बरहुम अला नार, कैसे सब्र आया उन्हें जहन्नम के मुकाबले में। जहन्नम की आग जो किसी चीज़ को छोड़ने वाली नहीं है, फमा अस्बरहुम अला नार, किस चीज़ ने उनको जहन्नम की आग पर सब्र करने के लिए आमादा कर दिया, आखिर ऐसे ये क्यों कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल कर रहा है कि उनके अंदर ये जुर्रत क्यों कर पैदा हुई, कैसे ये जुर्रत उनके अंदर पैदा हुई, हालांकि जहन्नम का अज़ाब हक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैगाम दिया उन लोगों को जो हक की बातों को छुपाते हैं, ये पैगाम दिया कि ये लोग हिदायत के मुकाबले में गुमराही को खरीद रहे हैं और अल्लाह की मग़फ़िरत के मुकाबले में अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। फ़मा अस्बरहुम अला नार, इनकी जुर्रत की दाद देनी हो, फ़मा अस्बरहुम अला नार, कि जुर्रत कैसे पैदा हुई, फ़मा अस्बरहुम अला नार, किस चीज़ ने उन्हें जहन्नम की आग पर सब्र करने के लिए आमादा कर दिया, तब जाकर वो ये ऐसा सौदा कर रहे हैं। तो ये इस एक आयत करीमा में यहूदियों से मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने ये वजाहत फरमाई है कि वो लोग जो सौदा कर रहे हैं वो सरासर घाटे का सौदा है, और ये बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है कि हक़ की बातों को जो अल्लाह ने कुरान में नाज़िल किया उनको छुपाना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन वअला आलिही वज़ुर्रियतिही अजमईन बिरहमतिही या अरहमर राहिमीन।